Everyone, in this video we are going to discuss about bird migration or migration in birds. तो इस वीडियो में हम देखेंगे बर्ड माइग्रेशन क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स की होती हैं और बर्ड्स माइग्रेशन क्यों शो करते हैं, तो ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो बर्ड माइग्रेशन है, ये जो टर्म है ये डिस्कस की थी एक साइंटिस्ट कैलोन ने, और ये जो टर्म है माइग्रेशन, बर्ड माइग्रेशन, ये एक लैटिन वर्ड माइग्रेरा से डिराइव की गई है। माइग्रेरा का मीनिंग होता है टू ट्रैवल, तो वहाँ से ये डिराइव की गई है। तो बर्ड माइग्रेशन होती क्या है, एक रेगुलर पीरियोडिक एंड टू वे मूवमेंट होती है। टू वे मूवमेंट का मीनिंग है बर्ड यहाँ से चल के यहाँ तक जाएगा, आई मीन फ्लाई करके या फिर माइग्रेशन करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। अब इस जगह से इस जगह पे ये वापस भी तो आएगा, अपनी फर्स्ट या फिर नेटिव प्लेस से ये वापस भी आएगा और यहाँ से वो दूसरी जगह पे जाएगा। तो ये क्या होती है, टू वे मूवमेंट होती है। पॉपुलेशन की पॉपुलेशन बोल रहे हैं, पॉपुलेशन यानी कि बर्ड्स की पॉपुलेशन। From a breeding or nesting place, एक यहाँ पे breeding place होगा जहाँ पे ब्रीडिंग करेंगे और अपना नेस्ट बनाएंगे, जहाँ पे एग लेइंग करेंगे, to a feeding or resting place, तो यहाँ से यहाँ तक की movement जो है और back भी होगी ये। तो movement क्या होगी, breeding और nesting place to feeding or resting place and back, इसको क्या बोलते हैं, बर्ड माइग्रेशन बोलते हैं। अब हमने बोला जो बर्ड माइग्रेशन है वो क्या है, एक टू वे मूवमेंट है, दोनों तरफ की मूवमेंट है, टू वे मूवमेंट है। टू वे मूवमेंट है तो ये क्या हो सकती है, ये एमिग्रेशन भी हो सकती है, ये इमिग्रेशन भी हो सकती है। एमिग्रेशन का मीनिंग है बाहर जाना, एग्जिट, ई यानी कि एग्जिट से हम इसको याद रख सकते हैं, एंड इमिग्रेशन यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इन। तो अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर क्या है, एक फीडिंग ग्राउंड है, एक ब्रीडिंग ग्राउंड। हमने बात की थी कि फीडिंग ग्राउंड टू ब्रीडिंग ग्राउंड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड टू फीडिंग ग्राउंड मूवमेंट शो करते हैं बर्ड्स। तो अगर इस फीडिंग ग्राउंड से ब्रीडिंग ग्राउंड तक मूवमेंट हुई है, इसको बोलते हैं एमिग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन बोलेंगे, यानी कि एग्जिट हुआ है इसका, ये जो नेटिव प्लेस है इससे ये ब्रीडिंग प्लेस के ऊपर क्या हुआ है, एग्जिट हुआ है। एंड अगर ब्रीडिंग प्लेस से ब्रीडिंग ग्राउंड टू फीडिंग ग्राउंड है, उस टाइम पे इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। तो ये क्या हुआ है, इन हुआ है, इस साइड इन हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जिट हुआ है। तो ये दो टर्म्स हो गई, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। इसके बाद अगर हम देखें, कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो मूवमेंट या फिर माइग्रेशन शो नहीं करते हैं, तो उनको बोलते हैं रेजिडेंट बर्ड्स, डू नॉट शो माइग्रेशन, ये बर्ड्स माइग्रेशन शो नहीं करते हैं। मोर टॉलरेंट होते हैं टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो माइग्रेशन के अंदर क्या होता है, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, उसमें वापस भी आते हैं। तो ऐसा क्या हुआ होगा, कौन सी कंडीशंस आई होंगी कि ये इस प्लेस से जाके बाहर गए होंगे, तो कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस आई होंगी, फूड की स्कार्सिटी हुई होगी, अनफेवरेबल कंडीशंस आई होंगी, तब जाके ये इन्होंने, इन बर्ड्स ने मूवमेंट की थी। लेकिन जो ये रेजिडेंट बर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मोर टॉलरेंट होते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए। यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है कैसे भी आ जाए, ये उसको टॉलरेट करेंगे। एंड ये डाइट अडेप्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग फूड भी क्या होगा, चेंज होगा, तो जो भी यहाँ पे फूड प्रेजेंट होगा उसके ऊपर ही ये क्या करेंगे, ईट करेंगे, यानी कि खुद को उस फूड के ऊपर ये अडेप्ट कर लेंगे। तो ये गुड डाइट अडेप्टर्स होते हैं, जैसे कि स्वान्स हो गए, ये क्या होते हैं, रेजिडेंट बर्ड्स होते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस की, कौन कौन सी टाइप की माइग्रेशंस जो है बर्ड्स शो करते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट है एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन और वर्टिकल माइग्रेशन, यानी कि वर्टिकल का मीनिंग है ऐसे, ये माइग्रेशन शो करेंगे ये। तो इस माइग्रेशन के अंदर क्या होगा, जो माउंटेन रेंज होती है, लाइक ये माउंटेन रेंज हो गई, तो जो बर्ड्स माउंटेन रेंज के टॉप पे रहते हैं, माउंटेन्स के टॉप पे रहते हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ पे वैलीज प्रेजेंट होती हैं, ये नीचे की तरफ वैलीज प्रेजेंट होंगी, तो ये मूवमेंट शो करेंगे इन वैलीज तक,
ये टॉप पे जो बर्ड्स थे वो क्या करेंगे, वैलीज तक मूवमेंट शो करेंगे, और इसको बोलते हैं एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन और वर्टिकल माइग्रेशन। और ये माइग्रेशन होती क्यों है, इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन लोकल वेदर कंडीशंस। जो यहाँ इस टॉप एरिया की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी वो चेंज हो गई है, वो क्या हो गई, लोकल वेदर कंडीशंस चेंज हो गई है, जिसकी वजह से ये कुछ टाइम के लिए ये नीचे की तरफ चले गए हैं। और ये जो माइग्रेशन होते हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, यानी कि ये एक शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन होती है। ये माइग्रेंट्स जो है एल्टीट्यूडनल माइग्रेंट्स, ये शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके अंदर वोयलेट ग्रीन स्वेलोंस हो गया, विलो इसके अंदर टार्मिजन हो गया, ग्रेप्स हो गया, कूट्स हो गया, ये एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन शो करते हैं। अगर इनकी पिक्चर्स देखें तो ये ऐसे नजर आते हैं, वॉयलेट ग्रीन सेलोज, ग्रेप्स, कूट्स एंड विलो टार्मिजन, ये इनकी पिक्चर्स हो गई। नेक्स्ट टाइप की माइग्रेशन है लैटीट्यूडनल माइग्रेशन। लैटीट्यूडनल माइग्रेशन के अंदर अब क्या होगा, लैटीट्यूड के अलोंग विद ये क्या की जाएगी, ये माइग्रेशन शो की जाती है। यानी कि लैटीट्यूड्स के अंदर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ हो गया, और इसको हम बोलेंगे नदन हेमिस्फीयर। नदन हेमिस्फीयर, ऐसे ही जो अपोजिट है उसको क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर, तो जो मूवमेंट है वो नॉर्थ टू साउथ भी हो सकती है, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न हेमिस्फीयर भी हो सकती है, एंड बैक भी हो सकती है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर टू नदर्न हेमिस्फीयर भी हो सकती है। तो ये दोनों टाइप की माइग्रेशन क्या होती है, यहाँ पे लैटीट्यूडनल माइग्रेशन होती है। जो सदर्न टू नदर्न माइग्रेशन होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो माइग्रेशन होगी वो होती है फॉर फीडिंग एंड नेस्टिंग, फॉर फीडिंग एंड नेस्टिंग, इसलिए ये मूवमेंट होती है, ये माइग्रेशन होती है। एग्जांपल्स की अगर देखें, जैसे कि अमेरिकन गोल्डन प्लोवर, कुकू एंड बहुत सारे बर्ड्स होते हैं साइबेरिया के, ये लैटीट्यूडनल माइग्रेशन शो करते हैं। अब जैसे कि कुकू है, कुकू क्या है, नदर्न सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होता है। कुकू जो है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हैबिटेट करेगा। अब ये क्या करेगा, ये नॉर्थ के अंदर ये क्या करेगा, ये जाएगा नॉर्थ के अंदर, तो सबसे फर्स्ट तो ये क्या करेगा, ब्रीडिंग करेगा इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ब्रीडिंग की, ब्रीडिंग करने के बाद इसकी मूवमेंट होगी साउथ ईस्ट अफ्रीका के अंदर, वहाँ पे समर्स ये स्पेंड करेगा, यानी कि समर्स के अंदर वहाँ पे रहेगा, एंड देन बैक जो है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर चला जाएगा। तो ये इस टाइप की मूवमेंट के लिए ये जो डिस्टेंस कवर करता है, ये डिस्टेंस होता है 7250 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल कर लेता है कोको। इसके बाद नेक्स्ट माइग्रेशन है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन के अंदर क्या होता है, ये ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट माइग्रेशन होती है, यानी कि ये क्या हो सकती है, ईस्ट से वेस्ट भी हो सकती है एंड वेस्ट टू ईस्ट भी हो सकती है, तो इस माइग्रेशन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। ये माइग्रेशंस जो है ये शो करते हैं स्टारलिंग्स, कैलिफोर्नियल गल्स, इस टाइप की माइग्रेशन जो है शो करते हैं। जो स्टारलिंग है, यहाँ पे जो स्टारलिंग है, ये स्टारलिंग क्या करता है, ईस्ट यूरोप से मूव करना स्टार्ट करता है। ईस्ट यूरोप से मूवमेंट इसकी माइग्रेशन स्टार्ट होती है, और ये जाता है वेस्ट एशिया तक, टू अटलांटिक कोस्ट। ये कहाँ तक जाएगा, वेस्ट एशिया तक। तो ये मूवमेंट कहाँ से हुई है, स्टारलिंग की, ईस्ट टू वेस्ट हुई है। दूसरा जो एग्जांपल है कैलिफोर्नियन गर्ल्स का, कैलिफोर्नियन गर्ल्स जो होते हैं ये माइग्रेट करते हैं वेस्टर्न टू पैसिफिक कोस्ट के अंदर। जो वेस्टर्न होंगे और जो पैसिफिक कोस्ट होंगे उनके बीच में इसकी माइग्रेशन होती है, यानी कि ये जो है माइग्रेशन शो करते हैं। नेक्स्ट टाइप की माइग्रेशन होते हैं टोटल माइग्रेशन, और इसको बोलते हैं कंप्लीट माइग्रेशन।
कंप्लीट माइग्रेशन का मीनिंग है जो भी पॉपुलेशन प्रेजेंट है किसी भी स्पीसीज की, एक स्पीसीज की जो भी पॉपुलेशन प्रेजेंट है वो सारी की सारी माइग्रेशन शो करेगी. इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर वो रहते हैं एक किसी भी स्पीसीज के मेंबर्स, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे माइग्रेशन के अंदर. यानी कि वो सारे के सारे ट्रैवलिंग लवर्स होते हैं, वो सारे के सारे माइग्रेशन शो करेंगे. एग्जाम्पल के लिए आर्कटिक टर्न होगी, जो आर्कटिक टर्न होती है वो क्या शो करती है, टोटल माइग्रेशन शो करती है. इसकी पूरी की पूरी जो मेंबर्स होंगे स्पीसीज के एक जगह पे रहेंगे जो, वो सारे के सारे माइग्रेशन शो करेंगे. नेक्स्ट है पार्शियल माइग्रेशन. पार्शियल का मीनिंग है इनकम्प्लीट होगी, ये इनकम्प्लीट होगी. इनकम्प्लीट का मीनिंग है जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ कुछ ही मेंबर्स या फिर स्पीसीज है, एक पर्टिकुलर जगह पे कोई स्पीसीज है उसके जो मेंबर्स हैं इनमें से सिर्फ कुछ मेंबर, सारे नहीं सिर्फ कुछ ही मेंबर क्या करेंगे, माइग्रेशन शो करेंगे, फिर माइग्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे. या फिर हम कह सकते हैं कि सिर्फ कुछ ही मेंबर क्या होते हैं, ट्रैवलर लविंग होते हैं, सिर्फ वो मेंबर्स ही माइग्रेशन शो करेंगे. तो इफ अ फ्यू मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज पार्टिसिपेट इन द माइग्रेशन, सिर्फ कुछ मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करें माइग्रेशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं पार्शियल माइग्रेशन. पार्शियल माइग्रेशन के एग्जांपल की बात करें तो ब्लू जेज, सॉन्ग थ्रस, फिंचीज हो गया, स्पून बिल्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं पार्शियल माइग्रेशन के. या फिर ये जो वर्ड्स हैं वो क्या शो करते हैं, पार्शियल माइग्रेंट्स होते हैं, ये पार्शियल माइग्रेशन शो करेंगे. नेक्स्ट टाइप की माइग्रेशन होती है डायर्नल माइग्रेशन. डायर्नल माइग्रेशन का मीनिंग है डे टाइम, ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम में क्या होगी ये माइग्रेशन शो की जाएगी. तो सिर्फ दिन दिन में होगी ये. तो इसके अंदर जैसे कि एग्जांपल हो गया क्रोज हो गए, रोबिन्स, हॉक्स, क्रेन्स, गीज, ये एग्जांपल आएंगे डायर्नल माइग्रेशन की. नॉक्टर्नल माइग्रेशन यानी कि ये क्या होगी, ड्यूरिंग नाइट, रात के टाइम में ये माइग्रेशन होगी. ये बर्ड्स क्या करते हैं, रात के टाइम में माइग्रेशन शो करते हैं, जैसे कि स्पैरोज, वार्बलर्स हो गए, ये नॉक्टर्नल माइग्रेशन शो करेंगे. एंड नेक्स्ट इज द डेली माइग्रेशन. डेली माइग्रेशन का मीनिंग है ये क्या करेंगे, सुबह गए और शाम को वापस आ गए. तो ये जो माइग्रेंट्स हैं ये क्या करेंगे, मॉर्निंग में जाएंगे एंड इवनिंग में क्या हो जाएंगे, मॉर्निंग में गए एंड इवनिंग में क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएंगे. तो ये क्या होंगे, डेली माइग्रेंट्स होंगे. जैसे कि क्रोज हो गई, मैनाज हो गई, हम बहुत सारे बर्ड्स को देखते भी हैं जो अर्ली मॉर्निंग माइग्रेशन के लिए जाते हैं दूसरे प्लेसेस के ऊपर फूड के लिए, और शाम तक क्या हो जाते हैं, वो वापस से लौट के आ जाते हैं. तो वो क्या होंगे, डेली माइग्रेंट्स होंगे, या फिर वो बर्ड्स डेली माइग्रेशन शो करेंगे. नेक्स्ट है सीजनल माइग्रेशन. सीजनल माइग्रेशन का मीनिंग है इस टाइप की माइग्रेशन स्पेसिफिक सीजन और पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही शो की जाएगी. तो ये माइग्रेशन क्या होगी, इन पर्टिकुलर सीजन ओनली फॉर फूड और ब्रीडिंग. या तो ये फूड के लिए हो सकती है या ये ब्रीडिंग के लिए हो सकती है, लेकिन क्या होगी, पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही होगी. तो ये सीजनल माइग्रेशन दो टाइप की हो सकती है, या तो ये समर्स के अंदर होगी या तो ये विंटर्स के अंदर होगी. अगर ये समर्स के अंदर है, समर्स के अंदर क्या होगा, अराइव इन स्प्रिंग फ्रॉम साउथ, ब्रीड एंड लिव इन ऑटम फॉर साउथ. साउथ से ये स्प्रिंग के अंदर आएंगे और फिर क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे और वापस से साउथ के अंदर ही चले जाएंगे ऑटम सीजन के अंदर. ऐसे बर्ड्स जो है ये होंगे जैसे कि स्वीट्स, स्वेलोज, कुकूस, ये बर्ड्स हो गए जो कि समर माइग्रेंट्स होंगे. सेकंड इज द विंटर माइग्रेंट्स, अराइव इन ऑटम, इसके अपोजिट है, एग्जैक्ट अपोजिट है इसके. ये ऑटम के अंदर आएंगे नॉर्थ से, डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई, नॉर्थ से आएंगे, स्टे इन विंटर एंड फ्लाई बैक टू नॉर्थ इन स्प्रिंग.
वापिस से क्या चले जाएंगे, वापिस से नॉर्थ के अंदर ही चले जाएंगे स्प्रिंग सीजन के अंदर। तो ये माइग्रेंट्स क्या होते हैं, ये होते हैं विंटर माइग्रेंट्स, जैसे कि स्नो बंटिंग, रेड विंग, ये जो बर्ड्स हैं ये क्या शो करते हैं, सीजनल माइग्रेंट्स के, सीजनल माइग्रेशन शो करेंगे, और ये विंटर माइग्रेंट्स होते हैं। इसके अलावा एक फेमस एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन्स, या के अंदर साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, विंटर माइग्रेंट्स होते हैं ये। साइबेरियन क्रेन्स क्या होते हैं, विंटर माइग्रेंट्स होते हैं। एंड इंडिया के अंदर ये आते कहाँ पे हैं, ये आते हैं भरतपुर, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर, बर्ड सेंचुरी। और ये जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये है राजस्थान के अंदर, वहाँ पे ये क्या करते हैं विंटर्स के अंदर आते हैं। अब ये विंटर्स के अंदर क्यों आते हैं, क्योंकि जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, तो कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से ये अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, यानी कि होम्योथर्मी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कंडीशन इनके लिए अनफेवरेबल हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं मूवमेंट शो करते हैं और माइग्रेशन शो करते हैं। नेक्स्ट टाइप की माइग्रेशन है वैग्रेंट और इररेगुलर माइग्रेशन, यानी कि ये इररेगुलर टाइप की होगी। इस माइग्रेशन के अंदर क्या होगा, माइग्रेट अवे फ्रॉम देयर हैबिटेट्स, जो बर्ड्स होंगे जो माइग्रेंट्स होंगे वो क्या करेंगे अपने हैबिटेट से, इनका हैबिटेट जो भी होगा उस हैबिटेट से इन ऑल डायरेक्शन इन सर्च ऑफ फूड, ये माइग्रेशन शो करेंगे हर एक डायरेक्शन के अंदर, इसलिए इसको इररेगुलर माइग्रेशन बोला जाता है, हर डायरेक्शन के अंदर ये मूवमेंट शो करेंगे। तो ये होते हैं वैग्रेंट और इररेगुलर माइग्रेंट्स। एग्जांपल के लिए इनके अंदर आते हैं हिरोन्स, ब्लैक स्टॉर्क, स्पॉटेड ईगल, बे ईटर, ये जो होते हैं ये बर्ड्स क्या होते हैं इररेगुलर माइग्रेंट्स होते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिए टाइप ऑफ माइग्रेशन, जिसके अंदर हमने एल्टीट्यूडनल, लेटीट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, टोटल माइग्रेशन, पार्शियल माइग्रेशन, डायर्नल माइग्रेशन, नॉक्टर्नल माइग्रेशन, डेली माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, जिसके अंदर विंटर अलग था एंड समर अलग था, एंड लास्ट वन इज द वैग्रेंट और इररेगुलर माइग्रेशन। ये हमने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ माइग्रेशन के अंदर। अब पर्पस क्या होता है माइग्रेशन का, वट इज़ द पर्पस फॉर बर्ड माइग्रेशन, बर्ड्स का क्या पर्पस होता है कि वो माइग्रेशन शो करते हैं। टू लोकेट ऑप्टिमाइजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड सोर्स, यानी कि उन वो जो जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे क्या हो गया है फूड की कमी हो गई है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। तो ऑप्टिमाइजिंग अवेलेबिलिटी जो होती है फूड सोर्सेज की, वहाँ पे ये क्या करते हैं मूव कर जाते हैं, माइग्रेशन शो करते हैं वहाँ तक। तो ऑप्टिमाइजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सोर्सेज के लिए क्या करते हैं माइग्रेशन शो करते हैं। फॉर स्टेबल और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं वहाँ पे ऐसी कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर होता है जिसको वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या कर शो करते हैं माइग्रेशन शो करते हैं। टू लोकेट ब्रीडिंग हैबिटेट्स, ब्रीडिंग हैबिटेट्स के लिए भी क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जो इनको ब्रीडिंग के लिए चाहिए होती है। तो ब्रीडिंग हैबिटेट्स के लिए भी क्या करते हैं ये मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि माइग्रेशन शो करते हैं। इसके अलावा ये हो गई यहाँ पे पर्पस माइग्रेशन का, या तो फूड सोर्स हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती है, या तो ये ब्रीडिंग हो सकती है, ये पर्पस होते हैं बर्ड के माइग्रेशन के। कॉजेज क्या होते हैं माइग्रेशन के, कॉजेज ऑफ बर्ड माइग्रेशन, कॉजेज के अंदर अगर हम बात करें राइपनिंग ऑफ गोनेट्स, अब कुछ जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं अपने गोनेट्स या फिर जो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनकी राइपनिंग के लिए दूसरी जगह पे मूव करते हैं और वहाँ पे राइपनिंग हो जाती है उन बर्ड्स के गोनेट्स की, जिसकी वजह से वो वापस आ जाते हैं, यानी कि सेक्सुअली मेच्योरिटी आ जाती है उनके अंदर, तो वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये राइपनिंग ऑफ गोनेट्स के लिए क्या करते हैं माइग्रेशन शो करते हैं। इंस्टिंक्ट के लिए माइग्रेशन शो करते हैं, यानी कि इनके अंदर जो बिहेवियर होता है, इनका बिहेवियर होता है उस वजह से ये माइग्रेशन शो करते हैं। स्कार्सिटी ऑफ फूड, फूड की कमी हो गई है,
फूड की स्कार्सिटी हो गई है इनके एक प्लेस के ऊपर, जिसकी वजह से ये किसी दूसरे प्लेस के ऊपर मूव करेंगे, यानी कि माइग्रेशन शो करेंगे. नेक्स्ट, होस्टाइल टेम्परेचर. होस्टाइल टेम्परेचर का मीनिंग है वहाँ का जो टेम्परेचर है जिसके लिए वो बर्ड जो है वो अडेप्ट है, या फिर उसके लिए वो फेवरेबल है, और वो कंडीशन, वो टेम्परेचर क्या है, इससे होस्टाइल हो गया है, यानी कि वो क्या हो गया है, एक तरह से उस कंडीशन से अपोजिट हो गया, अपोजिट टेम्परेचर हो गया जो बर्ड के लिए रिक्वायर्ड था, तो ये क्या करेंगे, बर्ड्स माइग्रेशन शो करेंगे. इसके अलावा डे लेंथ, जो डे लेंथ होती है वो भी क्या होती है, डे लेंथ की वजह से भी माइग्रेशन शो करते हैं, यानी कि जो डेज की लेंथ होती है, जैसे कि विंटर के अंदर डेज की लेंथ जो है वो कम हो जाती है, समर्स के अंदर डे की लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, तो उस वजह से भी क्या करते हैं, माइग्रेशन शो करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट इज द फोटो पीरियोडिज्म. फोटो यानी कि जो लाइट का पीरियड, पीरियोडिज्म यानी कि पीरियड, यानी कि जो लाइट का पीरियड है उसके लिए भी ये क्या करते हैं, बर्ड माइग्रेशन शो करते हैं. तो एक तरह से ये जो है ये रिलेट कर रहा है फोटो पीरियोडिज्म से, यानी कि फोटो पीरियोडिज्म के अंदर क्या होगा, लाइट की लेंथ कितनी है, अगर लाइट की लेंथ ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, डे लेंथ ज़्यादा हो गई है, और अगर लाइट की लेंथ कम हो गई तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से शॉर्ट डे हो गया है. तो इस फोटो पीरियोडिज्म जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बर्ड्स की माइग्रेशन के अंदर. इवन एक्सपेरिमेंटली भी स्टडी किया गया है और ये रिवील किया गया है कि जो फोटो पीरियोडिज्म के अंदर जब इंक्रीज होता है, जब यानी कि फोटो पीरियड या फिर लाइट लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लाइट का पीरियड इंक्रीज हो जाता है, वो क्या करता है, बर्ड्स को माइग्रेशन के लिए इंड्यूस करता है. माइग्रेशन के लिए क्या करेगा, इंड्यूस करेगा कि बर्ड्स जो है माइग्रेशन करें. क्यों करेगा, क्योंकि बर्ड्स की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड पाइनियल ग्लैंड है वो जल्दी जल्दी या फिर ज़्यादा सेक्स हॉर्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगी, तो उस वजह से भी क्या करेगा, माइग्रेशन शो करेगा. तो मे बी रीजन हो सकता है कि ये उसका क्या था, फीडिंग प्लेस था, और इस फीडिंग प्लेस के ऊपर सेक्स हॉर्मोन्स ज़्यादा रिलीज हुए तो वो एक अलग ब्रीडिंग प्लेस के ऊपर मूवमेंट उसने शो कर दी है, उस ब्रीडिंग प्लेस के ऊपर वो ब्रीडिंग शो करेगा. तो ये क्या शो करता है, फोटो पीरियोडिज्म, एक तरह से फोटो पीरियड या फिर जो लाइट लेंथ है उसके ऊपर. इवन जो साइबेरियन सार्स है, साइबेरियन सार्स क्या है, साइबेरियन सार्स या फिर साइबेरियन क्रेन क्या है, वो विंटर के अंदर आते हैं, लेकिन जब मार्च स्टार्ट होता है यानी कि विंटर जब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी होती है उस टाइम पे ये रिटर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वापस जाना स्टार्ट कर देते हैं. साइबेरिया के अंदर वापस क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ का, इंडिया का, क्योंकि इंडिया के अंदर आए हैं, इंडिया का जो टेम्परेचर है और हम बोल सकते हैं जो कि फोटो पीरियड है यानी कि लाइट लेंथ है, वो इंक्रीज हो गई है. लाइट लेंथ इंक्रीज होने की वजह से ये क्या होंगे, माइग्रेशन इनकी इंड्यूस हो जाएंगी, यानी कि वापस माइग्रेट कर जाएंगे. तो ये एक फोटो पीरियोडिज्म क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है बर्ड माइग्रेशन के. रेंज ऑफ माइग्रेशन क्या हो सकती है, अलग अलग टाइप की रेंज हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर एंड स्पीसीज के ऊपर. जैसे कि कुछ स्पीसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर लेती हैं, कुछ हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलर होती हैं या फिर शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन शो करती है, तो ये स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वैरी करता है. इसके बाद स्पीड की अगर बात करें, स्पीड भी जो है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वैरी करेगा. कुछ जो है फ्लाइट माइग्रेंट्स के अंदर जो है जो 30 से 50 तक भी 50 पर माइल, यानी कि 30 टू 50 पर माइल, ये क्या हो सकती है, स्पीड हो सकती है, यानी कि पर माइल पर आर, एक आर के अंदर जो है ये 30 टू 50 माइल क्या कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है, यानी कि 30 टू 50 माइल एक आर के अंदर ये माइग्रेट कर सकता है. और ये क्या होती है, ये होती है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड जो होगी बर्ड्स की माइग्रेशन की वो होगी 30 टू 50 माइल्स पर आर. तो अलग अलग टाइप की ये क्या शो करते हैं,
माइग्रेशन शो करते हैं। और कुछ जो स्पीसीज हैं जैसे कि स्विफ्ट हो गया, वो क्या करती है 200 किलोमीटर पर आर भी अपनी स्पीड शो करती है। तो ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गाइडिंग मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं, कि यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो ये बर्ड्स जाते हैं और फिर वापस आते हैं, और इनका मोस्टली एक ही रूट होता है आने का जाने का, आने का या जाने का एक ही रूट होता है। तो ये एक ही रूट क्यों होता है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गाइड करते हैं कि तुमको इसी रूट से जाना है, यानी जो बर्ड्स है वो सिर्फ इसी रूट से मूव करेंगे। तो अलग अलग फैक्टर्स होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।